चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में आए दिन एक नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। विशेषकर निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार को लेकर पहले तो कांग्रेस में बहस छिड़ी थी, उसके बाद राष्ट्रवादी में और अब भाजपा में बहस छिड़ी थी। लेकिन किशोर जोरगेवार ने अपना हुकूमी इक्का निकालकर सबको चौंका दिया और इस राजनीति में वह भी किसी से कम नहीं, यह उन्होंने राजनीतिक विशेषज्ञों को दिखा दिया। शुरू में कांग्रेस ने प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले किशोर जोरगेवार को जब कांग्रेस ने टिकट देने से मना कर दिया, तब उन्होंने अपना मोर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर मोड़ दिया और वहां पर भी उनके हाथ निराशा लगे। और इसके बाद उन्होंने चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री तथा भाजपा के ज्येष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार को हैरत में डालकर भाजपा में प्रवेश कर ही लिया। हालांकि उनके इस प्रवेश के पीछे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर की प्रमुख भूमिका रही। गौरतलब है कि कुछ सालों से भाजपा के दो वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार तथा देवेंद्र फडणवीस में छुपा राजनीतिक युद्ध चल रहा था और चंद्रपुर जिले में भी हंसराज अहिर और सुधीर मुनगंटीवार के बीच मधुर संबंध नहीं देखे गए, जिसके चलते किशोर जोरगेवार का आज भाजपा में पक्ष प्रवेश हो ही गया और विशेष रूप से पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनकी उपस्थिति में यह पक्ष प्रवेश किया गया। इस मौके पर सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक जो अपक्ष चुनकर आए थे, श्री किशोर जोरगेवार जी और महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रखर वक्ता नम्रता ताई ठेमसकर, ये दोनों ने अपने आसन के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ये एक परिवार है, इस परिवार में ये दोनों का उनके कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और मेरा विश्वास है कि चंद्रपुर जिले की छह विधानसभा महायुति की भारतीय जनता पार्टी की हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ जनता के मन में विकास का विश्वास पहुंचाने में कामयाब होंगे और मेरा विश्वास है दीन दुर्बल शोषित पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करना यह हमारा राजकीय धर्म है। सेवा धर्म के माध्यम से हम लोगों के दिल जीतने का काम करें। पक्ष प्रवेश करते समय मंच पर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे, लेकिन एक बोझिल सा वातावरण मंच पर नजर आ रहा था। भाजपा में प्रवेश करते ही किशोर जोरगेवार के चेहरे पर रौनक काफी बढ़ गई थी और उन्होंने इस मौके पर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। निश्चितपणे आज भारतीय जनता पार्टी मध्ये प्रवेश झालेला आहे। आज हा माझ्या दृष्टिकोनातून एक अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे। ज्या पार्टी करता ज्या पार्टी मध्ये अनेक वर्ष काम केलं, त्या पार्टी मध्ये पुन्हा काम करण्याची संधी मला या ठिकाणी मिळते आहे, त्याबद्दल मी पार्टीच्या सर्व नेत्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद देतो। असं नसते, पार्टीवर विश्वास नव्हता मला, माझी जर पहिलीपासून ती कोणती होती तर ती भारतीय जनता पार्टी होती। मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनेक वर्ष काम केलेलं आहे, मलाही माहिती आहे, परंतु राजकीय घडामोडींमुळे मला काही वर्ष बाहेर जावं लागलं, दोन निवडणुका लढाव्या लागल्या, एक पराभूत झालो, दुसऱ्यांदा विजयी झालो, परंतु या पार्टीमध्ये यावं हाच माझा विषय होता आणि भारतीय जनता पार्टीने आज माझ्यासोबत न्याय केला। सी टी व्ही के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।